रिव्यू हुआ उस पर, सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले आदेश पर ही कायम है। सर, क्या कहना चाहेंगे बीएड वाले कैंडिडेट को आप? देखिए, जैसा मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हम बीएड वालों को परीक्षा में भाग लेने का उनका अधिकार है, इसलिए हम उसका मौका बिल्कुल देंगे। और साथ साथ हमने ये भी कहा था कि परीक्षा फल हम नहीं पर अधिकार नहीं है उनका, इसलिए हम उसको रोक के रखेंगे जब तक कि संशय दूर नहीं हो जाता है। और आपने नोट किया होगा कि कई माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा भी यही स्टैंड लिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और भी राज्यों में माननीय उच्च न्यायालय में जो भी विवाद इस तरह से गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद, तो उन लोगों ने भी जो परीक्षा जो जिस स्टेज पर था उस स्टेज में अगर परीक्षा फल नहीं निकला हुआ है तो बीएड वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल को रोक दिया था। यही स्टैंड हम लोगों ने भी ले रखा है। और जैसा कल हमें भी जो सूचना मिली है और अगर उसका हमारे पास हमने आदेश की प्रतीक्षा है, संशय जैसा दूर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम उसके हिसाब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम उसी हिसाब से अपना रिजल्ट निकालेंगे। और जैसा कि कल की जो बातें हैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सर, कहने का मतलब कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल के लिए डीएलएड ही मान्य रहेंगे, तो सर क्या एक तरह से समझा जाए बीएड के लिए मुश्किल जो है रास्ता बंद होते हुए नजर आ रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसको सबको मानना है, तो उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी तो कर नहीं सकता हूँ, ना ही कोई अतिरिक्त संभावनाओं के बारे में कुछ कह सकता हूँ, इसलिए वो सबको मानना है और हम भी मानेंगे। सर, 69वीं सर कंबाइंड परीक्षा आप ले रहे हैं सर।